दत्तात्रेय होस बोले जी संघ कार्यवाह राष्ट्र स्वयं सेवक संघ जो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी हैं, मेरा आप विनम्र आग्रह है कि कृपया आप मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय दत्तात्रेय जी आप सभी को नमस्कार। मैं आप सब यहाँ इस परिसर में आए हुए सभी से प्रार्थना करता हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए कृपया अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। थोड़े समय के कार्यक्रम में मैं कुछ विचार रखूंगा और आज के मुख्य अतिथि महोदय उनके भी हमको सुनना है। भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र सबरवाल जी, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के सभी पदाधिकारीगण आज मंच पर विराजमान, पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री प्रमोद कोहली महोदय, लेफ्टिनेंट जनरल आर के शर्मा जी, लेफ्टिनेंट जनरल गोसाई जी, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, पूर्व डीजीपी श्री अशोक कुमार भानु जी, श्री सुदर्शन कुमार जी जो पूर्व डीजी हैं, श्री एस एम श्रीवास्तव जी, मेजर जनरल एस के शर्मा जी, राकेश टी भाई जी और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहता हूँ परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाला सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित केंद्र के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के सांसद श्री जुगल किशोर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जम्मू कश्मीर प्रांत के माननीय संघ चालक डॉक्टर गौतम सिंह जी, जिनके सम्मान में हम यहां आज उपस्थित हुए, ऐसे सभी बलिदानी परिवारों के सम्माननीय परिवार सदस्य इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए सभी माता भगिनी सज्जन बंधु, मेरे लिए एक स्वर्णिम दिवस है ऐसे मैं मानता हूं। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और धन्यता की बात है कि आज उन परम पुण्यात्माओं के परिवारों के बीच उपस्थित हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन महान भावों के साथ यहां मैं बैठा हूं जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष राष्ट्र की सेवा में लगा दिए और आज सेवानिवृत्त है लेकिन देश के लिए सदैव सक्रिय है। बंधुओं, ऐसे वीरों के शौर्य और पराक्रम को स्मरण करते हुए स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में हम कारगिल विजय दिवस के विशेष रूप से मना रहे हैं, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम को विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूं। देशवासियों के तरफ से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि आपने इस प्रकार के एक अत्यंत स्मरणीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मैं
और मैं कुछ विचार रखूं। हम सब जानते हैं वर्तमान वर्ष भारत के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 वर्ष हो गए देश आजाद होकर। हमें एक स्वतंत्रता ऐसी नहीं मिली है, हम सब जानते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए कई पीढ़ियों तक हमारे पूर्वजों ने कितने प्रकार के संघर्ष किए। उन सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, ऐसे गर्व से कह सकते हैं। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जो त्याग के तपस्या के बलिदान की कथाएं कहानी है वो सब इतिहास के पन्नों में छुपे हैं। ऐसे सभी के हर वर्ष वैसे देखा है तो इस वर्ष विशेष रूप में हमें स्मरण करना चाहिए। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमें कृतज्ञ रहना यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं ऐसे नई पीढ़ी के युवक युवतियों को बालक बालिकाओं से विशेष रूप से मेरा अनुरोध है, हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण केवल न करें बल्कि उनके अनुसार परम राष्ट्रीय कर्तव्य को स्मरण करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व में सिरमौर देश के रूप में खड़ा करने के लिए अपने जीवन में संकल्प ले, यही हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अर्पित करने वाली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जम्मू कश्मीर देश के स्वतंत्रता के समय से ही पाकिस्तान के कुदृष्टि यहां पड़ गई, हम सब जानते हैं। आप लोगों के लिए इसके बारे में मुझे विशेष रूप से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1947 से ही इस देश को विभाजित कर एक स्वतंत्र देश के रूप में बने पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद, कभी अलगाववाद, कभी आक्रमण, ऐसे करते हुए भारत के अंदर विशेष रूप से देश के इस भाग में जम्मू कश्मीर में अशांति और अस्थिरता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार के प्रयास किया। उन सारे प्रयासों को परास्त करने के लिए देश की सेना सुरक्षा कर्मी पुलिस ने अपने कर्तव्य को तो निभाया ही, परंतु यही हम सबको विशेष रूप से स्मरण करना पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय देशभक्त लोग अपने राष्ट्र प्रेम और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए सेना और सुरक्षा कर्मी और पुलिस के साथ हर प्रकार के सहयोग देते हुए देश की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं भारत के समस्त देशवासियों की ओर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत सभी यहाँ के लोगों को, यहाँ के हर एक नागरिक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको नमन करना चाहता हूँ। मित्रों, जम्मू कश्मीर एक दृढ़ संकल्प के साथ हर प्रकार के चुनौती को सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो खड़ा रहा, उसके प्रथम पंक्ति में यहां के अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह तो रहे,
वो एक महान शासक थे, दूरदृष्टि वाले थे। हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने आके गड़ाई बैठा था, इस देश पर शासन करने वाले अंग्रेजों के मन में भी शायद देश के इस हिस्से को भारत के साथ जोड़ने के बजाय पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए उनके मन का विचार होगा, इसलिए उन्होंने इसको स्वतंत्र दे दिया, आपको जिनके साथ जाना चाहिए जाओ। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने और यहाँ के लोगों के मनोभाव को और उनके स्वयं के राष्ट्र भक्ति के आधार पर भारत संघ के साथ अधिमिलन कर दिया, विलयन कर दिया। तो इसलिए उस एक महान निर्णय के कारण जो हर दृष्टि से सहज और स्वाभाविक ही था, हम जम्मू कश्मीर के लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक। मित्रों, विलय तो हो गया लेकिन थोड़े दिन में हम सबको मालूम है केंद्र के उस समय के नेतृत्व हो, यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के उनके विचार हो, यहाँ भारत पर लागू होने वाले संविधान के कई बातें यहाँ लागू नहीं। हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत का एक पहला जन आंदोलन इसी कारण से प्रारंभ हुआ, भारत के संविधान को यहां लागू। उस जन आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ऐसे महान विभूतियों ने जो कार्य किया वह आज हमको उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक स्मरण रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जब जब मैं जम्मू कश्मीर में प्रवेश करता हूं, मैं यहां ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को, लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को स्मरण करता हूं, क्योंकि इस भूमि पर आने के लिए यह मेरे मातृभूमि के हिस्सा आज भी है, इस प्रकार की भावना मेरे अंदर अत्यंत गर्व से आने के लिए ये लोग कारणीभूत रहे। इनके कारण जम्मू कश्मीर के लोग भारत के नागरिक। आंदोलन चला, नारे लगे एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। हम सबको मालूम है भारत के संविधान को एक हाथ में, तिरंगा झंडे को दूसरे हाथ में लेकर उस समय के राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चित्र को गले में लगाकर यहाँ के लोगों ने एक अद्भुत आंदोलन किया, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जन आंदोलन थे। 1947 में पाकिस्तान ने कबीलियों के मार्फत जो भारत पर आक्रमण किया, उस आक्रमण में इस हिस्से के बहुत सारे स्थानों पर कई लोगों के नरसंहार हुआ, हमारे माता बहनों के साथ कई प्रकार के अत्याचार हुए। भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने रण कौशल का परिचय देते हुए राजौरी और पूंछ की बारामूला क्षेत्र को, इन सबको पाकिस्तान से कब्जे से बाहर, हम कैसे भूल सकते हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, हम कैसे भूल सकते हैं पूंछ के रक्षक के नाते प्रसिद्ध ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को,
हम कैसे भूल सकते हैं महावीर चक्र विजेता और जंगल के युद्ध में हीरो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को। हम कैसे भूल सकते हैं स्कर्दू में मेजर शेर सिंह थापा और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमारे सेना ऑफिसर्स, उन जवानों के प्रणव सर्ग के कारण जम्मू कश्मीर के बड़े क्षेत्र को पाकिस्तान के चंगुल से बचाने में वो कामयाब हो। 1947-47 के लड़क क्षेत्र में भारतीय फौजें लड़ रही थी, तब जम्मू कश्मीर के लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रहे। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण ने अकेले मीरपुर शहर में 20-25 हजार लोगों के नरसंहार हो गया, मारे गए। इसके अलावा भी कई स्थानों पर लोगों ने उनके इस आक्रमण के शिकार हो गए। मैं इस समय कोतली के उस घटना का स्मरण करता हूं। कोतली ने भारतीय सेना ने उस समय एयर ड्रॉप किया था गोला बारूद से भरे बॉक्सेस को, लेकिन एयर ड्रॉप करते समय कई दूसरे जगह पर वो गिर गया था। भारतीय सेना के हाथ में वो लगना चाहिए। यहां बैठे हुए पुराने लोगों को इस घटना के जरूर याद होगा, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए उस समय यहां के नागरिक जिन्होंने गोलियों के भरतर के बीच खुद जाकर उस गोला बारूद को लाने में कामयाब हुए। ऐसे धर्मवीर खन्ना जी, वेद प्रकाश चड्ढा जी, सरदार प्रीतम सिंह जी, सुखा सिंह जी, क्या इनके जो प्रणाम किया है वो किसी वीर जवान से तो कम नहीं है। भारत में सेना के सैनिक और सीमा पर रहने वाले लोग ऐसे साथ साथ मिलकर इस देश की रक्षा किए हैं, तो इसलिए पुनः पुनः मैं उन सबके प्रति वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनके परिवार। उसी प्रकार पूंछ के स्थानीय अमृत सागर जी, जो वहां के भारतीय सेना की मदद करने के लिए वहां के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, उसमें ही वो प्रणाम के लिए। कश्मीर के देशभक्त मकबूल शेरवानी के योगदान अत्यंत स्मरणीय है। पाकिस्तानी फौज श्रीनगर पहुंचने के लिए निकले थे, लेकिन उनको उन्होंने बुला दिया, दूसरे रास्ते उनको बताए, तब तक भारत की सेना श्रीनगर पहुंच गई, इसलिए श्रीनगर बचा सके। इसलिए उनके कारण पाकिस्तान के लोग कबाली वहां की सेना श्रीनगर अपने कब्जे में नहीं ले सके। इतिहास के इन पन्नों को याद करना चाहिए। भारत की रक्षा यहाँ के लोगों के, यहाँ के नागरिकों के, यहाँ के वीर वनिताओं के, यहाँ कार्य किए हुए देश की सेना के, पुलिस के एक एक व्यक्ति ने जिस प्रकार इस देश की रक्षा के लिए अपने सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं यहाँ पर मेरे सिख भाई बहनों के बलिदान की एक घटना का स्मरण करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी फौज कश्मीर भाई चुराराम के एक छोटे से गांव में, जहाँ सिख भाई बहने रहते थे, पाकिस्तान के सेना के आगमन के कारण उनके वो तो नियंत्रित थे वहां के लोग, तो सब इकट्ठे हुए। उस समय सिख समुदाय के उन वीर वनिताओं ने, माताओं ने पुरुष वेश धारण करके पाकिस्तान के सेना के मुकाबला किया। क्या बात, किस प्रकार से लड़ाई। 402 महिलाएं, बच्चे, पुरुष उस मुठभेड़ में, उस मुकाबले में वीर गति प्राप्त। यह मिट्टी, भारत के यह मिट्टी इसलिए यह तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ के मिट्टी के कण कण वंदनीय है, ये श्रद्धा का स्थान है। तो इसलिए आज हम इस प्रकार जब इकट्ठे हुए हैं,
इन बातों को स्मरण करते हुए मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आती है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम देश के हर हिस्से में होकर वहां वहां के सैनिक वहां वहां के पुलिस कर्मी जो देश की रक्षा के लिए सब कुछ नौछावर कर दिए उनके प्रति सम्मान करने के उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। पाकिस्तान के हमले के कारण आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है पीओजेडी के नाम से। वहां से विस्थापित हुए लाखों लोग आज जम्मू कश्मीर और शेष भारत में रह रहे हैं। विस्थापितों को चाहिए ऐसा कोई परिवार होगा जिनके घर में कोई सगे संबंधी उन्होंने खोया ना हो। इतने भयंकर त्रासदी इतने भयंकर चुनौती सब प्रकार के कष्ट संकट के बीच उन्होंने देश के निर्माण में अपने योगदान दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर उन्होंने हर संभव प्रयास किया यहाँ के लोगों के साथ रहकर देश के निर्माण में समाज के कार्य में हर प्रकार से उन्होंने सहभागी होने का प्रयास किया। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के लोग स्वतंत्र भारत के जम्मू कश्मीर के पहले पीड़ित हैं, उनको पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। आज वो तरस रहे हैं भारत को और देख रहे हैं हम कब स्वतंत्र हो। 1947 के पश्चात 1962 में चीन से 62 71 और बाद में करगिल इन सारे लड़ाइयों में पाकिस्तान के सेना के साथ मुकाबला करना यहाँ के लोगों ने किया यहाँ की सेना ने किए। इतिहास के उन अध्यायों में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, हम सब जानते हैं। जब पाकिस्तान की सेना ने 1971 में दुस्साहस किया लेकिन हम सब जानते हैं भारत के जनता भारत की सरकार एक तरफ बांग्लादेश का विमोचन करवाया 93,000 पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर दिए घुटने टेक दिए भारत के शूरवीर सेनाओं के सामने। इस प्रकार भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम अनुशासन देशभक्ति उसका परिचय दिया। कश्मीर घाटी में कश्मीर के हिंदुओं से जो अत्याचार उनके ऊपर पिछले कुछ दशकों में हुआ उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। अलगाववाद के कश्मीरियत के नाम पर जो यहाँ के लोगों के साथ राक्षसी कृत्य हुए वह इतिहास के रक्त रंजित अध्याय हो गए। मित्रों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुलिस ने सेना के जैसे हर इस प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ते हुए उनको परास्त करने के लिए अपने बहुत ही महती भूमिका निभाई। आतंकवाद से जूझते हुए देश की रक्षा के लिए उन्होंने हर संभव अपने प्रयास किया। 1999 में पाकिस्तान ने जो करगिल पर आक्रमण किया चोरी छुपे उस समय करगिल के लोगों ने जैसे वहां सेना के साथ खड़े रहकर उनकी सहायता की इसके बारे में भी हम जानते हैं। जब करगिल का उल्लेख करता हूं याद करता हूं मेजर सौरभ कालिया कैप्टन विक्रम बत्रा कैप्टन मनोज पांडे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव मेजर राजेश अधिकारी मेजर विवेक गोता नायक दिगेंद्र कुमार राइफलमैन संजय कुमार
ऐसे कई वीर सैनिकों के वह चित्र सामने आए। उनके कुछ परिवारों से मिलने का भी मैं अवसर कहूं या मेरा भाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं समझ में नहीं आता। उनमें से कई परिवारों से समय समय पर मिलने का प्रयत्न भी मेरे जैसे लोगों ने किया है ताकि हम उनसे प्रेरणा ले और उनको कहे देश आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, देश की रक्षा करने वालों के लोगों के बलिदान हो गया लेकिन आप अकेले नहीं है, अनाथ नहीं है, आपके साथ खड़ा है देश, आपके साथ खड़ा है समाज, आपके साथ खड़े हैं लोग। इसलिए आज इस प्रकार से यहां सम्मान करने के जो कार्य है वो केवल सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। एक दिन के कुछ सम्मान से हमारी कृतज्ञता पूरी नहीं होती और आपके घर के लोगों ने जो बलिदान दिया वो कीमत चुकाने लायक नहीं, उतना बड़ा है। लेकिन देश के लोगों को कृतज्ञता स्मरण करना यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज इसको छोटे मात्रा में क्यों ना हो करने का प्रयत्न जेके पीपल्स फोरम के मार्फत से हम लोगों ने किया। मैंने जैसे शुरू में कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के देशभक्त जनता भी लगातार आंतरिक और बाह्य दोनों चुनौतियों का संघर्ष करते रहा है। कारगिल युद्ध के उस दुर्गम चोटी पर रहने के लिए जब पहुंचना महत्वपूर्ण था उस समय जिम्मेवारी निभाने के लिए वहां के सामान्य पोर्टर्स लोगों ने रसद पहुंचाने का काम किया। देशभक्ति ये भाषण में, पुस्तकों में, चित्रों के प्रदर्शनी में नहीं होती, वो तो बाद की बात। जब समय आया उस समय समाज के लोग कैसे खड़े होते, कैसे करते, क्या करते, यह देशभक्ति के गहराई कितने हैं, उसकी ऊंचाई कितने हैं, ये समझना। सामान्य पोर्टर, अनपढ़ पोर्टर देश की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। यह इस देश के मिट्टी के एक स्वभाव, ये सदियों हजारों वर्षों से हम किए हैं। मित्रों, वर्तमान सरकार के एक राष्ट्रीय विचार है देश के जनता के मांग और भावना को समझकर आज संविधान के धारा 370 को प्रभावित बना दिया, 35A को हटा दिया। तो इसलिए जम्मू कश्मीर भारत संविधान के सब प्रकार के जो प्रावधान है उसको यहां लागू करने के लिए रास्ता प्रशस्त हो गया है। यही कारण है आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी के सूची बन रही है। इसलिए यहां वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, वो होने के लिए अब समय आ गया है। मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूं, देश के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन के लहर चल पड़ी है। भारत को दुनिया के सामने एक श्रेष्ठ देश के नाम से खड़ा करने का एक स्वर्णिम अवसर हमारे सामने आज है। देश की सीमा की सुरक्षा, देश के समाज के आंतरिक सुरक्षा, सब प्रकार के भेदभाव, इन सब को मिटाते हुए सुरक्षा के रक्षा कर, सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए हमें भारत को एक नवीन भारत के नाते, एक नवोदय भारत के नाते, एक स्वर्णिम भारत के नाते, एक सशक्त भारत के नाते, एक स्वाभिमानी भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में खड़ा करने का एक नया अध्याय प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके सम्मुख इतना ही कहूंगा, हम
अलगाववाद आतंकवाद आक्रमण हिंसक के साथ वर्दी पहने हुए सेना सुरक्षा कर्मी पुलिस ये तो अपने कार्य निभाएंगे ही, लेकिन समाज अपनी जागरूकता अपने प्रतिबद्धता अपने संकल्प के साथ खड़े हो और अपने देश के वीर सैनिकों को हमेशा यह भरोसा रहे हम आगे बढ़ते हैं तो सारा राष्ट्र मेरे सामने मेरे साथ है मेरे पीछे खड़ा है। यह विश्वास यह भरोसा वहां लड़ने वाले सैनिक या पुलिस इनको हिम्मत देती है। तो इसलिए हम वीर शहीदों के स्मरण जब करते हैं मुझे वो गीत की पंक्ति याद आती है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों की यही बाकी निशा होगा। मित्रों अंत में मैं आपके सम्मुख कुछ विचार सोचने के लिए रखता हूं। हम शहीदों के बलिदानियों के परिवार के प्रोत्साहन केवल सरकार के भरोसे पर नहीं छोड़ा, सरकार अपने काम करेगी, समाज के लिए कर्तव्य है। गांव गांव में शहरों में मार्ग होते हैं, स्थान संस्थान होते हैं, नाम रखने होते हैं, पार्क होते हैं, ऐसे हमारे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनके नाम पर उन पार्कों को उन सड़कों को उन संस्थानों को नामकरण करें। वीर बच्चों के लिए पुरस्कार देते हैं, उस समय हमारे वीर जवानों को बलिदानी पुलिसों को याद रखें। 15 अगस्त जनवरी 26 को देश के स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस समय देश के लिए मर मिटने वाले इन लोगों को याद करें, यह आवश्यक है क्योंकि भारत उन सब के प्रति हमेशा ऋणी है। साहित्य कहानी लोक की नए सीरीज से ऐसे बलिदानियों के नाम पर बने, ऐसे परिवारों के प्रति हमारे कर्तव्य निभाने के लिए हम संकल्पबद्ध रहे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, देश के लिए देश की उन्नति के लिए भारत को एक आधुनिक भारत संस्कृति के जड़ों में गहराई से खड़े रहे, एक खुशहाली भारत का निर्माण करना देश के लोगों के कर्तव्य है, इसलिए हम संकल्प लें। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम निर्चार रहे न रहे, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दू। इसी भावना के साथ मैं मेरे विचार को यहां विराम देता हूं। नमस्कार।